में कोविड के संक्रमण को देखते हुए भी बिहार सरकार कोविड पेशेंटों के लिए खासा ख्याल रख रही है। उप मुख्यमंत्री का गृह जिला कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड की तमाम स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने समीक्षा में बताया कि कटिहार का जिला प्रशासन पूरी तरह कोविड से लड़ने के लिए तत्पर है। लगभग 400 बेड के अस्पताल तैयार किए गए हैं, जिसमें 80 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर से युक्त हैं। हालांकि 4 वेंटिलेटर कटिहार में बताया जा रहा है, लेकिन टेक्नीशियन की वजह से वो वेंटिलेटर फिलहाल काम नहीं कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही उस वेंटिलेटर के लिए भी टेक्नीशियन की व्यवस्था जल्द ही कर ली जाएगी। संक्रमण के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उससे बचाव के लिए जिला प्रशासन किस स्तर पर कार्य कर रहा है, उसकी हमने समीक्षा की है। जिला प्रशासन पूरी तरह कोरोना के संक्रमण का जो ये द्वितीय चक्र चल रहा है, और जिसमें एक काफ़ी लोग तेज़ी से पूरे बिहार में प्रभावित हो रहे हैं, तो उसकी एक मुकम्मल तैयारी जिला प्रशासन कटिहार ने की है। और मैं अभी उनके प्रतिवेदन को भी देख रहा था कि जो अप्रैल माह से अगर हम लोग द्वितीय चरण को लेते हैं, तो 40,757 अभी तक टेस्ट कटिहार के लोगों का हुआ है, और जिसमें 919 अभी तक पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल जिले में कोविड की स्थिति, आपको बता दें 672 पेशेंट ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। आप भी ज़्यादा पैनिक ना हो, सतर्क रहें, सजग रहें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आशा है यह वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। कैमरा पर्सन विजित के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार।